जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द टॉरस साइन, यानी कि वृषभ राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं कि ये हफ्ता कैसा जाएगा आपके लिए, चाहे आपकी लव लाइफ है चाहे करियर है। टॉरस, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं, और ऐसा लगता है कि आपको किसी ने चीट किया है। आप ऐसा महसूस करते हैं लाइक बिट्रेड, आपको लगता है कि आपको चीट किया गया है, या बिट्रेयल की एनर्जी में है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लाइक किसी चीज़ का शायद वेट कर रहे हैं, मे बी किसी के मैसेज का, मे बी किसी के कॉल का, और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है लाइक इंतज़ार कर रहे हैं। और मे बी हो सकता है इन अ हर्मिट मूड, लाइक सब कुछ साइलेंट है आप लोगों के बीच में, आपके और आपके पर्सन के बीच में, लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक एक पीरियड है ऐसा साइलेंस वाला। ज़्यादा आप लोगों की मुझे लग रहा है बातचीत नहीं हो रही है या बहुत कम हो रही है, और आपको किसी चीज़ का वेट है इस पर्सन की तरफ से। ऑन द अदर हैंड, ये जो पर्सन है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, या मे भी हो सकता है कि कुछ हिडन है इनकी लाइफ में, और मे भी हो सकता है ये इसको रिफ्यूज़ कर रहा है यहाँ पे, और मे भी हो सकता है दे आर डीलिंग विद समबडी एल्स इन देयर लाइफ, और या तो अभी किसी के साथ डील कर रहे हैं किसी और के साथ, या हो सकता है ऑलरेडी लाइक हो सकता है कि लाइक जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, सिंगल मॉम हो सकते हैं, पेरेंट्स लाइक सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। सो ये चीज़ें मुझे ओवरऑल दिखाई दे रही है फॉर ऑल यू टॉरस पीपल। यस, रिस्ट्रिक्टेड है ये पर्सन किसी वजह से, या तो मैरिड है, या फिर हो सकता है कि किसी चीज़ में उलझे हुए हैं अपनी लाइफ में, राइट? और यस, और मे भी हो सकता है उन्होंने भी बहुत कुछ फेस किया है, कुछ के लिए हो सकता है कि वो फॉर फ्यू ऑफ यू हो सकता है दैट इज़ मदर इश्यूज़ कुछ के लिए, या फिर अगर आप लाइक इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस, अगर आप फीमेल हैं तो हो सकता है ये पर्सन लाइक इज़ डीलिंग विद देयर वाइफ और मदर, और ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और इफ़ यू आर अ मैन वॉचिंग दिस, तो मे बी हो सकता है जिनके साथ तो आप डील कर रहे हैं, या तो वो बाउंड है किसी चीज़ को लेके, या ऑलरेडी मे बी हो सकता है डिवोर्स्ड हो, कुछ इश्यूज़ चल रहे हों, या हो सकता है कि कोई और हो उनकी लाइफ में। ये चीज़ें मुझे दिखाई किसी चीज़ की वजह से रिस्ट्रिक्टेड है, मुझे ये लग रहा है ये पर्सन। नाउ द आउटकम फॉर बोथ ऑफ यू, मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल टॉरस पीपल, आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टिल इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दे वॉक्ड अवे, मे बी आप कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से आप लोगों के बीच में स्मूथ हो, चीज़ें स्मूथ हो जाए, बातें लाइक नॉर्मल पेस पे आ जाए। और मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन वैसे बहुत ज़्यादा काइंड एंड नर्चरिंग है, बट क्योंकि इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है, और क्योंकि इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, सो मे भी हो सकता है अभी अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, शी इज़ लाइक अ क्वीन सिटिंग ऑन अ थ्रोन, एक क्वीन की तरह अपनी थ्रोन पर बैठी है और अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। सो ये चीज़ें हैं, हो सकता है कुछ इश्यूज़ हों जिसकी वजह से ये ऐसे हो गए हैं। नाउ अगेन मुझे रिफ्यूज़ल की एनर्जी दिखाई दे रही है, हो सकता है आप लोगों की बात हो इनसे, लेकिन स्टिल मुझे यहाँ पे अभी भी कोई रिफ्यूज़ल की एनर्जी में है ये पर्सन की तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस, क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स फॉर ऑल द टॉरस पीपल उनकी लव लाइफ के लिए। यस, टेन ऑफ सोर्ड्स, अगेन टेन टेन। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की लाइफ में, देखिए टू बी वेरी फ्रैंक फॉर ऑल द टॉरस पीपल, ये चैप्टर जो है एक वो कंप्लीट हो चुका है आप लोगों की, जो भी आप लोगों ने लाइक मिलना था या बात होनी थी आप लोगों की, सॉर्ट ऑफ लाइक एक
सॉर्ट ऑफ एक चैप्टर है, लाइक वो कंप्लीट हो चुका है. नाउ मे बी हो सकता है यू आर मिसिंग दिस पर्सन, और मे बी हो सकता है यू नीड टू बी लाइक यस, बहुत ज़्यादा आप बर्डन है इस चीज़ को लेके, टेन ऑफ सोर्ड्स. मे बी हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं, और तो उस चीज़ में से आपको निकलने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है. यू हैव दैट लाइट, आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, और हो सकता है कि आपको दैट यू हैव दैट लाइट विद इन, सो आपको उस चीज़ को वाइजली आगे लाइक इस्तेमाल करना चाहिए. टू बी वेरी फ्रैंक मुझे ऐसा लगता है, लाइक मेडिटेट कीजिए और अपने आप पे फोकस कीजिए. सो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, ओवरऑल एनर्जी. हो सकता है सबको ये मैच ना करे बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग. अब बात करते हैं आपके करियर की. फॉर ऑल द टॉरस पीपल, ये हफ्ता आपके करियर के एस्पेक्ट से कैसा रहेगा? हार्ट ब्रोकन किस वजह से, क्या हुआ है? फॉर ऑल द टॉरस पीपल, आप हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं. मे बी हो सकता है कि कुछ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस हों या हो सकते हैं जिसपे आप हार्ट ब्रोकन फील कर सकते हैं. फॉर ऑल द टॉरस पीपल, और मे यस आप डिटरमाइंड हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, यू आर मूविंग फॉरवर्ड. लेकिन क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी हो सकता है कि यस आपकी कोई विश फुलफिल भी हो सकती है आगे चल के. यस थिंग्स कैन टर्न अराउंड. अगर आप किसी चीज़ को लेके चिंता में हैं, अगर आप किसी चीज़ को लेके बर्डन है, सो डोंट वरी, लाइक व्हील व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. सो ये चीज़ हो सकता है मुझे आपकी सिचुएशन में लग रही है. यू आर लाइक एन एम्परर, और आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आप एक्सपेंशन का वेट कर रहे हैं और चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मुझे ऐसा लगता है. यस थोड़ा सा यस न्यू बिगनिंग में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि और लोगों की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन आप अपना जो ध्यान है वो ट्रॉफी पे रखिए, इन चीज़ों पे नहीं. न्यू पिकनिक एंड डोंट बी क्लोज टॉक. थोड़ा सा जनरस होने की ज़रूरत है. मनी को लेके बहुत ज़्यादा ओवरथिंक मत कीजिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है चाहे वॉट एवर. ज़्यादा क्लोज टॉक होने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा सा अपने आप को ओपन अप कीजिए, जेनरस होइए, राइट. ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा हमें ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है. यस अगेन मुझे ऐसा लगता है कुछ लाइक हो सकता है कोई कुछ नए तरीके से कुछ स्टार्ट करना सोच रहे हो, या कुछ लाइक जैसे कहते हैं ना कुछ एक्सपैंड करने की सोच रहे हो, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, कोई नया वेंचर हो. सो डोंट वरी मनी, लाइक मनी मैटर में आपके लिए सब कुछ सॉर्टेड है. सो डोंट वरी फॉर दैट. लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस. क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द टॉरस पीपल फॉर देयर करियर? ओके सो अगेन वी हैव कन्फ्लिक्ट को दूर रखिए. अगर मेंटल कन्फ्लिक्ट है, कोई भी कन्फ्लिक्ट है, एक्स वाई जेड किसी और के साथ है, तो भी उससे दूर रहिए, उससे बचिए. ट्रस्ट अपनी जो गट फीलिंग है उस पर ट्रस्ट कीजिए, अपने आप पे सबसे पहले ट्रस्ट कीजिए. डिवाइन को सरेंडर कीजिए, डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, एंड विक्ट्री आपके साथ है, सक्सेस आपके साथ है. सो डोंट वरी. मुझे ऐसा लगता है कि अप्स एंड डाउन्स ये सब दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, या मे बी हो सकता है यू आर ओवर एम्बिशियस. सो यू नीड टू बी लिटिल जेनरस. आपको थोड़ा सा जेनरस, आपको आसपास कनेक्ट करने की ज़रूरत है, अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है. और मे बी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइक जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ को हम होल्ड कर लेते हैं एंड वी गेट लाइक क्लोज्ड ऑफ, तो उस चीज़ को थोड़ा सा डोंट वरी. आउट ऑफ फियर हम कभी कभी ऐसा करते हैं, सो डोंट वरी फॉर दैट. फ्री योर सेल्फ, मेंटल कन्फ्लिक्ट से भी बचिए. अगर आपके करियर वाइज अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है एक्स वाई जेड, या यू कह लीजिए छोटी मोटी लाइक कॉन्स्पिरेसी तो वर्क प्लेस पे चलती रहती है, सो यू जस्ट फोकस ऑन द ट्रॉफी एज आई सेड अर्लियर. सो उस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.